हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो मैं लेके आ गई एक और फर से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए कि आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ऑनलाइन कपड़े कैसे बेच सकते हैं, चाहे आप घर से बिजनेस कर रहे हो कपड़ों का या फिर किसी शॉप से बिजनेस कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन कपड़े कैसे बेच सकते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन कैसे कपड़े अपने सेल कर सकते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स रख रहे हो या फिर कोई भी अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन के, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसी कई सारी वीडियोज मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन कैसे आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म अगर ऑनलाइन आप काम चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एक तो आपका जो भी मतलब आपका बोलते हैं ना कि कोई भी प्रमाण पत्र हो आपका, और वो होना चाहिए। और दूसरा, आपको अपना जो GST बनवाना पड़ता है। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है GST। आपको एक GST बनवाना होता है, जो भी आप अगर ऑनलाइन YouTube से सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा GST कैसे बनता है। उसके लिए भी छोटे मोटे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप घर से ही कपड़े स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब घर से ही बिजनेस कर रहे हैं या शॉप शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं करना है काम। आपको घर से ही घर से ही काम करना है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तब क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं, जिसके लिए GST वगैरह की भी नहीं जरूरत पड़ती। वो कौन से ऐप्स? देखिए, फ्लिपकार्ट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सबसे ज़्यादा तो आजकल व्हाट्सअप ही चल रहा है जो हर चीज़ में, मतलब व्हाट्सअप तो आप के मतलब बहुत काम की चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे आप अपने जो कपड़े हैं, आपके जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छे से आपको पिक्चर्स पे, तो देखिए क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, पिक्चर्स अच्छे से खींचिए और उसके बाद उसे उन पे अपलोड कीजिए। और ऐसे करके अगर आपको कोई कस्टमर दिखता है, अगर वो आपको रिप्लाई करता है तो ये तो हो गई आप दूसरे तरीका कि आप घर से ही, मतलब मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये कपड़े की फ़ोटो लगाई है और सामने वाला उसे देखता है, उसे पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा कि मैम मुझे ये वाला पूना, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, कैसे परचेज करूँगी। मतलब वो बहुत दूर रहता है, हम तो पास वाले को क्या है कि हम कैश मतलब होम डिलीवरी कर देते हैं, आते जाते पड़ोसियों को दे देते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जैसे कोई बंदा दूर है, हम यहाँ राजस्थान में बैठे हैं और वो लखनऊ साइड बैठा है, या फिर और कोई अन्य सिटी में बैठा है, तो वहाँ पे हम कपड़े कैसे भेज सकते हैं? देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि आपके अपने एरिया की जो भी मतलब कोरियर कंपनी है, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है और उनको अपनी चीज़ बतानी है कि देखिए हमें घर से काम चालू कर रखा है या अपनी शॉप से काम चालू कर रखा है, तो आप मुझे यहाँ पे मुझे कोरियर चीज़ें करानी है। तो आपकी एक स्पॉन्सरशिप मिलती है, मतलब उनकी तरफ से भी आपको कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं आपके लिए, मतलब एक स्पॉन्सरशिप होता है, तो वो आपको अपने कोरियर मतलब पास की जो भी कोरियर कंपनी है उनसे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कब कर सकते हैं हम, जब आपको कैश ऑन डिलीवरी अपने जो काम कर रहे हैं आप उसमें अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी आप लेवर करानी है, तो मान लीजिए मुझे कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवानी है, मान लीजिए मुझे नॉर्मल कपड़े हैं, मुझे पहले मेरे अकाउंट में पैसे डलाने हैं, उसके बाद मुझे इसे कोरियर कराना है, वो तो मैं नॉर्मल किसी भी मतलब कोरियर कंपनी से कोरियर करा दूंगी। चलो ठीक है, मेरे पहले तो अकाउंट में पैसे आएगा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कोरियर कंपनी के थ्रू अगर कराते हैं, मतलब किसी कोरियर कंपनी से मेंबरशिप कर लेते हैं, तो उससे बहुत सारे फायदा। देखिए, आपको एक कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मिल जाती है। सेकेंड, बहुत मतलब जैसे अब कस्टमर को हमने भेज दिया और कस्टमर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो ईजी टू रिटर्न, मतलब ये काफ़ी सारी जो झंझट है वो कोरियर कंपनी की हो जाएगी। आपको तो बस अपनी चीज़ को पैक करके कोरियर वाले को देनी है और लाना, ले जाना, पैसे लेना, पैसे फिर आपके बैंक अकाउंट में डालना, ये सारी कोरियर कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक व्यूवर्स का मेरे पास रिप्लाई आया था कि मैम आप कैसे मतलब अपने कपड़ों को ऑनलाइन कैसे भेजते हैं, तो बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड।